खिलाफत रास्ता है, लेकिन हजरत मुआविया के खिलाफ खिलाफत रास्ता, अगर से उसने अमल रहा और वो जो अमल गुम गया था, वो जो बगीर तौसी दारुल इस्लाम की वो दोबारा शुरू हो गई, खुरासान की तरफ पेशकदमी शुरू हो गई, उधर पहला बहरी बेड़ा बनाया हजरत मुआविया ने रजी अल्लाह तआला, और ये सहरा रूम के बाद जायद को फतह भी किया। उन्हीं के जमाने में मुसलमान फौजें जो है इस्तंबुल तक पहुंच गई, कुस्तुनतुनिया तक, कुस्तुनतुनिया की फसील तक पहुंच गए। अगर ये फतह नहीं हो सका कुस्तुनतुनिया उस वक्त, तो बाद में कई सौ साल बाद तुर्क जो खलीफा था उसके उसके हाथ में फतह हुआ मोहम्मद फातिह। लेकिन ये कि भारत पहुंच गए थे वहां पर, ये अमल भी शुरू हो गया। लेकिन इन्हीं लोगों ने हजरत हसन को गालियां दी इस काम पर कि तुमने सुलह की, और उनके खेमे पर हमला किया, उसे जलाया, उनकी जान को डर रहे थे कि तुमने सुलह की। ये अक्सर लोग, ये लोग, इसके बाद मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूं, यही लोग थे असल में जो 20 बरस के बाद फिर जो हादसा शान है करबला हुआ है उसका मेन किरदार ये। सिर्फ चंद जुमले इस वक्त कहूंगा, सामने करबला पर मेरा किताब जो मौजूद है वो आप पढ़िए। हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला को मुगीरा इब्न शोबा एक बुजुर्ग सहाबियों में से थे, उन्होंने मशवरा दिया कि देखिए आपकी खिलाफत से पहले 4 बरस तक खाना जंगी रही, 1,00,000 के करीब मुसलमान एक दूसरे की तलवारों से खत्म हुए। अब अगर वो जमाना गुजर गया कि हमारे सहाबा तो फौत हो चुके, बड़े सहाबा तो गए, अब तो ये 9 मुस्लिम जो फतह के बाद ईमान लाए या उसके बाद ईमान लाए जबकि सूरह तौबा की आयत नाज़िल हो गई, अब तो ये लोग, या फिर अब नए लोग जो मफ्तूहा इलाके में ईमान ला रहे हैं, मुसलमान हो रहे। लिहाजा अब वो जो मुसलमानों का एक निजाम खिलाफत राष्ट्र का था, अगर उसके पीछे किसी मजबूत कबीले की ताकत न हो तो वो मरकजियत कायम नहीं रख सकेगा। लिहाजा आप यजीद को अपना वली अहद मुकर्रर कर दें। हजरत मुआविया कुछ रहे मुतरद्दिद, लेकिन बाद में उनकी समझ में ये बात आ गई। यहां ये नोट कर लीजिए कि मैं या आप हजरत मुआविया के फैसले से इख्तलाफ कर सकते हैं, उनकी नीयत पर हमला नहीं कर सकते, वो सहाबी असहाबा तो कुल्लुहुम अदूल, उनकी नीयत यही थी, मसला समझी इसमें कि वही अमन जो है वो बरकरार रहे। उस वक्त जो है कुछ थे हमारे जो उस वक्त अगर कि वो सिगारे साहबा में शुमार होते थे, लेकिन अब वो कमार थे, वो खड़े हो गए कि आप ये काम गलत कर रहे हैं, ये कैसरियत और किसरियत जो है उसका आगाज कर रहे हैं। और ये कौन लोग थे, अब देखिए तरतीब, अबू बकर के बेटे अब्दुल रहमान, उमर के बेटे अब्दुल्लाह इब्न उमर, अब्बास के बेटे अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, जुबैर के बेटे अब्दुल्लाह इब्न जुबैर, अली के बेटे हजरत हुसैन, हजरत हसन फौत हो चुके थे, क्योंकि ये ऐन वक्त में हुआ वाकया, 20 साल के दरमियान 10 साल हजरत मुआविया की हुकूमत को शुरू हुए 10 साल हो चुके थे। मेरी जो तहकीक है या मुताला उसके मुताबिक तो ये है कि हजरत मुआविया ने मसलहत से काम लिया और इन पर जबर नहीं किया, लेकिन इन्हीं नदवी साहब ने भी लिखा है कि बिल जबर भी इनसे बैत ले ली, बैत बली रहेंगी, मुझे उसे इख्तलाफ है। ये हजरात ऐसे नहीं थे कि जो बिल जबर बैत करने वाले हो, मैं इसका उसको मानने को तैयार नहीं। बहरहाल ये हजरत मेरे नजदीक हजरत मुआविया ने जबर नहीं किया, जबरदस्ती नहीं की, लेकिन जब हजरत मुआविया का इंतकाल हो गया, अब जो है मामला ये पैदा हो गया क्या बैत करें ना करें तो फिर जो है बागी शुमार होगी। अब्दुल रहमान इब्ने अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा वो फौत हो चुके थे, अब 4 रह गए थे, अब्दुल्लाह इब्ने उमर, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास, ये दोनों थे जो उम्र में बड़े थे, अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर और हुसैन इब्ने अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, इन चारों ने कहा कि काम गलत हुआ है ये। लेकिन उसके बाद एक तफरीक हो गई, ये जो दोनों बुजुर्ग तर्क थे हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, इन दोनों ने कहा काम तो गलत है लेकिन ऐसा नहीं है जिसकी बिना पर खूनरेजी कराई जाए, मुसलमानों का खून बहे, बगावत की जाए, ऐसा नहीं। मतलब ये कि इसके अंदर मसलहत का तकाजा ये है कि इस वक्त जो है इसको तस्लीम कर दिया जाए।
लेकिन ये जो दोनों नौजवान थे इनके अंदर, नौजवान नहीं थे वो जवान थे माशाल्लाह, लेकिन ये के जोश ज्यादा था, ये कह गए कि नहीं हम इस गलती को अब भी चलने देंगे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न सुबैर और हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला। अब देखिए असल फैसला की बात क्या हुई, इन दोनों हजरात में एक इख्तलाफ हो गया। हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर का कहना यह था कि यही मुकीम रही है मक्के में और यहीं से जो रेजिस्टेंस मूवमेंट है वो शुरू की जाए बनु उमैया की हुकूमत के खिलाफ। उधर से कूफियों के खतूत चले आ रहे थे हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला, आप आइए हम आपसे बैत करेंगे। हजरत हुसैन ने अपने कहरदार भाई मुस्लिम बिन अकीम को भेजा, उनके हाथ पर 10-12 हजार कूफियों ने बैत कर ली हजरत हुसैन के, और उनके खतूत के जो है वो तो पूरे के पूरे फैले थे हजरत हुसैन के पास। इससे फिर हजरत हुसैन ने सफर किया। उधर ये हुआ कि यजीद की तरफ से उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद जो है गवर्नर बनकर आया, उसने जो तशद्दुद किया कूफियों पर, सब ने बैत तोड़ दी और हजरत मुस्लिम बिन अकील जो है उनको शहीद कर दिया। ये खबर पहुंची है हजरत हुसैन को, आप अभी दरमियान में थे सफर के, आपने मुनासिब समझा कि मैं वापस लौट जाऊं, लेकिन हजरत मुस्लिम बिन अकील के बेटे खड़े हो गए कि अब हम किसास लिए, हमारा बाप शहीद किया गया, किसास लिए बगैर तो नहीं जाएंगे। अब ये मरुवत के खिलाफ था हजरत हुसैन की कि वो उनको छोड़ दे। ये वजह है कि वो हादसा पेश आया, और उसमें भी असल वजह मैं बताता हूं, वो ये है कि हजरत हुसैन ने जब वो लश्कर था कूफियों का, कूफी तो आए थे ना, वही कूफी जिन्होंने बैत की थी, वही बैत तोड़ने वाले थे, वही लश्कर में आए थे हजरत हुसैन के खिलाफ। हजरत हुसैन ने वहां ऐन मैदान जंग में ऐलान किया, देखो फलां इब्ने फलां, ये तुम्हारा खत है कि नहीं, तुमने मुझे बुलाया, देखो फलां इब्ने फलां, तुमने मुझे दावत दी थी कि नहीं, ये देखो मेरे पास तुम्हारे खतूत जो है थैले भरे हुए मौजूद है। अब उन्हें अंदेशा यह हुआ कि अगर हजरत हुसैन को किसी तरह भी यजीद तक पहुंच जाने दिया गया तो हमारा जो है बांडा फूट जाएगा, फिर हमारी खैर नहीं। वरना हजरत हुसैन ने कहा था देखो या मुझे वापस जाने दो या मुझे सरहदों की तरफ जाने दो, मैं कुफार के साथ जिहाद करते हुए अपनी जिंदगी सर्फ कर दूंगा, या मुझे यजीद के पास जाने दो, मैं उसके साथ अपना मामला कर लूं। उन्होंने कहा कि अगर यजीद तक उनकी रसाई हो गई तो फिर हमारी खैर नहीं। तो उन्होंने ना सिर्फ ये कि शहीद किया, वही कूफी, वही बनू तमीम के लोग, वही अखड़, उन्होंने ना सिर्फ ये कि शहीद किया बल्कि फिर खेमों को आग लगाई। क्यों लगाई? ताकि वो जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ था उनके खिलाफ वो खत्म हो जाए, वरना आग लगाने की क्या जरूरत थी। उन्होंने और तो कुछ नहीं किया, यानी वो काम तो नहीं किया कि जो किसी मफ्तूह के साथ किया जाता है। हजरत हुसैन के बेटे बीमार थे, हजरत अली बिन हुसैन जैनुल आबदीन रहमतुल्लाह अलैह, उन्हें शहीद तो नहीं किया। जो खवातीन थी जो उनके उनकी कोई बेहरमती नहीं की, ये नहीं कहा कि अब ये तो जैसे कि खवारिज कहते थे जो मुसलमान काफिर हो गए, मुसलमान हैं उनके नजदीक काफिर हैं, उनकी बीवियां भी हलाल हैं हम पर, वो तो कनीजे हैं, फिर फैसला ये तो नहीं किया। खेमे जलाए इसलिए है कि वो जो सबूत था उनके खिलाफ वो खत्म हो जाए। ये हादसा फाजिया भी दर हकीकत उसी सिलसिला सबाइया, वो फितना जो है उसी का इसके एक कड़ी है। ये है वो हमारी तारीख के जो हमारा सदर अव्वल है उसमें जो ये शहादतें हुई हैं उनका तारीखी पस मंजर। आज इसी पर इक्तफा कर रहा हूँ। अकूल कौली हाजर।